तो ये मेरे सब अननोन थिंग्स अबाउट माइनक्राफ्ट वाले शॉर्ट्स का कंपाइलेशन है पार्ट टू, सो एंजॉय। तो माइनक्राफ्ट का सबसे रेयरेस्ट ब्लॉक माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार मिला था। अगर आप लंबे समय से माइनक्राफ्ट खेल रहे हो तो आपने शायद किसी डंजन में ऐसा डबल चेस्ट देखा होगा। ये तब स्पॉन होता है जब दो चेस्ट साइड साइड में स्पॉन हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर तीन चेस्ट साइड साइड में स्पॉन हो जाए? लेकिन डंजन्स तो इतने पास पास स्पॉन नहीं होते, लेकिन माइनशाफ्ट में जो माइनकार्ट विद चेस्ट रखी हुई होती है वो चेस्ट की तरह काम कर सकती है। पुराने वर्जन्स में माइनकार्ट विद चेस्ट की जगह सिर्फ नॉर्मल चेस्ट होता था और हम डबल चेस्ट को साइड साइड में प्लेस नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए हमको ट्रैप चेस्ट यूज करना पड़ता था डबल चेस्ट को साइड साइड में प्लेस करने के लिए। तो अगर डंजियन का नॉर्मल डबल चेस्ट माइनशाफ्ट के सिंगल चेस्ट के एकदम साइड में स्पॉन हो जाए तो उसको एक ट्रिपल चेस्ट बना देना चाहिए। और ये बात तब प्रूव हुई जब 2011 में reddit.com पे किसी बंदे ने ये स्क्रीनशॉट अपलोड किया था जिसमें वर्किंग ट्रिपल चेस्ट दिखा था। यानी कि माइनक्राफ्ट के पुराने वर्जन में ट्रिपल चेस्ट भी स्पॉन हो सकते थे। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग शॉर्ट्स। तो ये माइनक्राफ्ट के टॉप थ्री हार्डेस्ट अचीवमेंट्स है। नंबर वन पे आता है ये वाला अचीवमेंट। इस अचीवमेंट का नाम है एडवेंचरिंग टाइम। इस अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमको माइनक्राफ्ट में जितने भी बायोम्स होते हैं उन सब बायोम्स को विजिट करना पड़ता है। नंबर टू पे आता है ये वाला अचीवमेंट जिसका नाम है हाउ डिड वी गेट हियर। इस अचीवमेंट में हमको माइनक्राफ्ट में जितने भी इफेक्ट्स है वो सारे के सारे इफेक्ट्स एक ही टाइम पे लेने पड़ते हैं। और नंबर थ्री पे आता है ये वाला अचीवमेंट। तो इस वाले अचीवमेंट का नाम है ऑलमोस्ट देयर। ये अचीवमेंट सिर्फ एक स्पेसिफिक वर्जन में ही अवेलेबल था जिसका नाम था 20W14 इन्फिनिटी। इस वाले अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमको किसी भी पोर्टल के थ्रू 1 बिलियन टाइम्स ट्रैवल करना था। तो अगर आप इस अचीवमेंट को अभी कंप्लीट करने जाओगे तो उसको कंप्लीट करते करते आपको 150 ईयर्स लग जाएंगे, क्योंकि एक पोर्टल से हमको ट्रैवल करने में ऑलमोस्ट 5 सेकेंड लगते हैं। मतलब कि 1 बिलियन टाइम्स ट्रैवल करने में हमको 150 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग शॉर्ट्स। तो माइनक्राफ्ट में कई सारे सीजनल चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि क्रिसमस के टाइम पे चेस्ट ऐसे दिखते हैं और हैलोवीन के टाइम पे मॉब्स पंपकिन पहन के स्पॉन होते हैं। और इन चेंजेस को हम हमारे पीसी की डेट को चेंज करके गेम में ला सकते हैं। लेकिन एक और ऐसा चेंजेस जिसको हम ला नहीं सकते, माइनक्राफ्ट की 10th एनिवर्सरी के टाइम पे उन्होंने कुछ इस तरह के केक्स डाले थे गेम में। ये कुछ स्पेसिफिक वर्जन्स में ही अवेलेबल था और ये सिर्फ 3 दिन के लिए चेंज रहा था। लेकिन मेन बात ये है कि अगर हम उस वर्जन में जाके अपने पीसी की डेट को चेंज कर ले फिर भी हम वो वाले एनिवर्सरी केक्स को नहीं ले सकते, क्योंकि माइनक्राफ्ट में ऐसा प्रोग्राम किया गया है कि अब वो केक्स माइनक्राफ्ट में कभी नहीं आ सकते वापस। इसका मतलब वही एक अकेले ऐसे ब्लॉक है जो कि एक लॉस्ट ब्लॉक है माइनक्राफ्ट के। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग शॉर्ट्स। क्या आपको पता है कि माइनक्राफ्ट का स्टीव कितना वेट कैरी कर सकता है? 1.16 के अपडेट से पहले माइनक्राफ्ट में हेवीएस्ट आइटम था गोल्डन एन्चेंटेड एप्पल, जिसका वेट रियल लाइफ में कैलकुलेट किया जाए तो वो 1,54,560 किलोग्राम्स होता था। लेकिन अभी माइनक्राफ्ट में नेदरराइट ब्लॉक सबसे हेवीएस्ट ब्लॉक है क्योंकि उसका वेट 1,62,971 kg होता है। तो अगर हम हमारी पूरी इन्वेंटरी को नेदरराइट ब्लॉक से भर दें तो हम उसमें 2,304 नेदरराइट के ब्लॉक्स को रख सकते हैं। और इसी ट्रिक को हम शल्कर बॉक्सेस को ऐड करके यूज़ करें तो हम हमारी इन्वेंटरी में 62,208 नेदरराइट ब्लॉक्स रख सकते हैं। और अगर उसका वेट रियल लाइफ में कैलकुलेट किया जाए तो बहुत ज़्यादा होता है और वो होता है 1,013,80,99,968 kgs। यस, स्टीव एक टाइम पे इतना सारा वेट उठा सकता है, यानी कि इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि स्टीव कितना स्ट्रांग है। सो हाउ टू गेट एंड पोर्टल फ्रेम इन माइनक्राफ्ट सर्वाइवल? यस, अब आप सोचोगे भाई भाई ये तो इम्पॉसिबल है, हम एंड पोर्टल फ्रेम को तोड़ ही नहीं सकते। हाँ भाई पता है मेरे को, रुको ना, बता रहा हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो अगर आप एक माइनक्राफ्ट वेटरन हो तो आपको शायद ये वाला स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। यस, इसका नाम है ग्लास पिलर, जो कि 1.0 वर्जन में ऐड हुआ था और ये 1.0 वर्जन के प्री रिलीज में ही था। और इसको इसलिए ऐड किया गया था ताकि माइनक्राफ्ट में एंड के डेवलपिंग स्टेज में स्ट्रॉन्ग होल्ड को आसानी से ढूंढा जा सके। और इसमें एक एंड पोर्टल फ्रेम भी ऐड हुआ था जो कि कुछ ऐसा दिखता था। यस, ये ओरिजिनल एंड फ्रेम है और इस वाले एंड फ्रेम को हम फोड़ के आसानी से कलेक्ट भी कर सकते थे। इसका मतलब अगर आपने उस वर्जन में किसी एंड फ्रेम को लेके किसी चेस्ट में रखा हो और उस वर्ल्ड को आप लेटेस्ट वर्जन में इंपोर्ट करो तो वो चेस्ट में अभी भी वो एंड फ्रेम पड़ा होगा। यस, इस ट्रिक का यूज करके आप एंड फ्रेम ले सकते हो सर्वाइवल में। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग शॉर्ट्स। तो माइनक्राफ्ट में मैक्सिमम कितनी बड़ी फॉल सर्वाइव कर सकते हैं?
हम बिना कोई आर्मर वगैरह के सिर्फ 23 ब्लॉक्स ही सर्वाइव कर सकते हैं, और फेदर फॉलिंग 4 वाले नेदरराइट के जूते पहन के हम सिर्फ 41 ब्लॉक्स सर्वाइव कर सकते हैं। पर अगर हम फुल नेदरराइट के प्रोटेक्शन 4 और फेदर फॉलिंग 4 वाले बूट्स के साथ गिरे तो हम 103 ब्लॉक्स सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर हम पिछले वाले आर्मर के साथ गोल्डन एंचेंटेड एप्पल और टर्टल मास्टर का पोशन यूज करें तो हम 906 ब्लॉक्स सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम सब कुछ पिछली बार जैसा ही करें, लेकिन खाली नीचे गिरने की जगह पे हेबेल लगा दे तो हम 4504 ब्लॉक का फॉल सर्वाइव कर सकते हैं। भाई गिरने में ही बहुत टाइम लग जाता है, तो अब हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो माइनक्राफ्ट अब तक डेड क्यों नहीं हुआ है? आपने देखा होगा कई सारे गेम्स थोड़े ही टाइम में डेड हो जाते हैं, जैसे कि फ्री फायर ले लो, वो 6 साल में लग गई उसकी डेड हो रहा है अभी। तो माइनक्राफ्ट तो 14 साल पुराना गेम है, तो वो अब तक डेड क्यों नहीं हुआ? उसका एक मेजर रीज़न है मॉड्स। अगर मॉड्स नहीं होते माइनक्राफ्ट में तो शायद वो अब तक डेड हो चुका होता, क्योंकि मॉड्स से ही हम माइनक्राफ्ट में कुछ भी कर सकते हैं, वो माइनक्राफ्ट को लिमिटलेस बना देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में फ्री फायर एक शूटिंग गेम है तो उसमें शूटिंग ही होती है, लेकिन माइनक्राफ्ट में हम गन्स डाल सकते हैं, गाड़ियाँ डाल सकते हैं, उसको फ्री फायर जैसा बना सकते हैं। हम मॉड्स का यूज करके माइनक्राफ्ट में कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए लोग माइनक्राफ्ट को खेल के बोर नहीं होते, और इसमें कंटेंट भी बहुत ज्यादा है क्रिएटर्स के लिए, जैसे मैनहंट, सर्वाइवल सीरीज, वन ब्लॉक सीरीज, ऐसे मॉड्स की वजह से कंटेंट भी बहुत ज्यादा आ जाता है, इसीलिए डेड नहीं हो रहा। और यूट्यूबर्स ही एकमात्र ऐसी चीज होती है जो गेम को डेड होने से बचा सकते हैं, वीडियोस बना के लोगों में उस गेम को ज्यादा पॉपुलर करके। और यूट्यूबर्स के लिए माइनक्राफ्ट में बहुत ज्यादा कंटेंट है, इसीलिए मेरे हिसाब से तो अभी 15-20 साल माइनक्राफ्ट और आराम से चलेगा, इतनी जल्दी डेड नहीं होने वाला। तो माइनक्राफ्ट का बेस्ट वेपन सिर्फ बेडरॉक एडिशन के अंदर है। तो भाई बेडरॉक एडिशन का बेस्ट वेपन है ट्राइडेंट, लेकिन भाई मैं नॉर्मल ट्राइडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो ट्राइडेंट्स नॉर्मली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनका अटैक डैमेज 8 हार्ट्स का होता है, जो कि डायमंड स्वॉर्ड के अटैक डैमेज से भी ज़्यादा है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि 2 क्रेट में हम क्रीपर को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अब एंट्री होती है इम्पेलिंग एन्चेंटमेंट की। इम्पेलिंग जावा एडिशन में एक्वेटिक मॉब्स को ज़्यादा डैमेज देती है, पर बेडरॉक में ये लॉजिक नहीं है। बेडरॉक में ये मॉब्स जो वाटर को टच किए हुए हैं उनको ज़्यादा डैमेज देती है, और इसमें रेन भी काउंट होती है। तो रेन के दौरान इम्पेलिंग एन्चेंटमेंट वाला ट्राइडेंट लेके हम किसी क्रीपर को मारेंगे तो वो एक शॉट में खत्म हो जाएगा, और जॉम्बी के लिए सिर्फ 1 क्रिटिकल हिट लगेगा। तो जावा एडिशन का सबसे बेस्ट मिले अटैक होता है शार्पनेस 5 नेदरराइट एक्स स्ट्रेंथ 2 क्रिटिकल हिट के साथ 13 हार्ट्स का डैमेज। लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर अपना वो वाला ट्राइडेंट लेके हम 22 हार्ट्स का डैमेज दे सकते हैं, और ये डैमेज फुल नेदरराइट वाले को वन शॉट करने में सक्षम है, और हम स्पैम क्लिक भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये एक रेंज्ड वेपन भी है। तो क्या माइनक्राफ्ट का स्टीव ईविल है? भाई अभी तुम लोग तो सोचते होगे कि स्टीव तो अच्छा बंदा है, लेकिन वो जिस भी विलेज में जाता है वहाँ के सारे हेबेल चुरा लेता है, जिस भी विलेज में जाता है वहाँ के सारे क्रॉप्स उखाड़ देता है विलेजर्स के, और विलेजर्स के चेस्ट भी लूट लेता है, और उनके इकलौते प्रोटेक्टर आयरन गोलम को भी 3 ब्लॉक ऊपर टावर अप करके मार देता है। अब आप बोलोगे कि ये तो प्लेयर के हाथ में है, वो स्टीव को कैसे यूज़ करता है? लेकिन और एक चीज़ है जिसे हम भूल नहीं सकते, और वो ये है कि माइनक्राफ्ट में एक ऐसी स्पीशीज़ है जो एक्सटिंक्ट हो रही है, और वो है एंडर ड्रैगन। और स्टीव क्या करता है, अपने जीवन का मकसद बना लेता है कि उसी एंडर ड्रैगन को उसे मार, और उसे मारने के बाद उसका इकलौता अंडा भी वो चुरा लेता है। तो इस थियरी के हिसाब से तो स्टीव ईविल प्रूव होता है। इसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है कमेंट करके बताना। तो कितने TNT लगेंगे एक वार्डन को मारने के लिए? तो सबसे पहले अपन 1 TNT गिरा के देखते हैं मरता है या नहीं। अपन एक एक करके TNTs गिराएंगे, और हर बार हम एक नया वार्डन स्पॉन करेंगे। एक में तो नहीं मरा, अब ये नया वार्डन स्पॉन कर दिया, अब 3 TNT गिरा के देखते हैं। ओके, 3 TNT भी गिरा दिया, अब भी नहीं मरा। नया वार्डन आ चुका है, और अब ये 5 TNT गिराएंगे। ओके, 5 एक्सप्लोजन्स के बाद भी नहीं मरा। ओके, नया वार्डन स्पॉन कर दिया है, और 10 TNT गिराएंगे अब। भाई अब तो मर ही जाना चाहिए भाई, 10 में भी नहीं मरा, 11 में तो मर ही जाएगा। ट्राई करते हैं। अबे 4 एक साथ फूट गए, कोई बात नहीं। ये लास्ट 11वां TNT, और देखते हैं मरता है या नहीं। ओके, मर गया, मतलब एक वार्डन को मारने के लिए 11 TNT लगते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने एक शॉट डाला था जिसमें मैंने एक थियरी के बारे में बताया था जो कि स्टीव को ईविल प्रूव करती है। उसी से रिलेटेड और एक चीज़ पता चली है, लेकिन उसे जानने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एंडरमैन कौन है। एंडरमैन एक्चुअली एंशियंट बिल्डर्स है जिन पे विदर ने अटैक कर दिया था, और वो विदर गलती से इलेजर्स ने उनके एक रिचुअल के टाइम पे स्पॉन कर दिया था। उस विदर से उनकी जान बचाने के लिए वो लोग अंडरग्राउंड भाग गए थे, और वहाँ पे उन्हें स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला, और वहाँ पे उन्हें एंड पोर्टल भी मिला। उन्हें एंड पोर्टल के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो उसके अंदर कूद गए, और फिर वहाँ कूदने के बाद उनको
वहाँ के लोकल पैरासाइट्स यानी कि एंडरमाइट्स ने अटैक करना चालू किया। उनसे बचने के लिए वो आउटर आइलैंड्स पे भाग गए और आउटर आइलैंड्स पे उनको कोरस फ्रूट मिल गए, तो वही खा के वो लोग जिंदा रहते थे। और कोरस फ्रूट के पॉइजन और एंडरमाइट के पॉइजन की वजह से वो धीरे धीरे इवोल्यूशन के कारण एंडरमैन में कन्वर्ट हो गए। और इसी वजह से एंडरमैन एंडरमाइट को देख के एग्रेसिव हो जाते हैं और स्टीव इन एंडरमैन को एंडर ड्रैगन से बचाता है, क्योंकि आपने देखा होगा एंडर ड्रैगन एंडरमैन को मारते रहता है। और इसीलिए हमें एंडर ड्रैगन को मार के फ्री द एंड की एन्चेंटमेंट मिलती है, तो इसका मतलब तो स्टीव इविल नहीं है शायद। तो क्या हमारे माइनक्राफ्ट के तीनों डायमेंशन कुछ इस तरह से बने हुए हैं? देखो, ओवरवर्ल्ड के नीचे बेडरॉक की एक लेयर होती है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, और नेदर के ऊपर भी वैसी सेम टू सेम बेडरॉक की लेयर होती है जिसे हम तोड़ नहीं सकते, और नेदर में जाते ही हमें वी नीड टू गो डीपर की एडवांसमेंट मिलती है। और हम गूगल पे देखें तो नेदर वर्ड का मीनिंग भी अंडरग्राउंड ही होता है, तो इससे तो यही साबित होता है कि नेदर जो है वो ओवरवर्ल्ड के नीचे आया हुआ है। और अब हम ओवरवर्ल्ड की बात करें तो ओवरवर्ल्ड के ऊपर एक ऐसा स्काई है जिसमें हम इन्फिनेटली ऊपर जा सकते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होता। और वैसा ही सेम टू सेम एंड में वॉइड भी है जिसके हम नीचे गिरते ही जाते वो ख़त्म ही नहीं होता। तो इन सारी बातों का तो एक ही मतलब निकलता है कि हमारे माइनक्राफ्ट के तीनों डायमेंशंस कुछ इस तरह से बने हुए हैं। देखो, पहले एंड, उसके नीचे ओवरवर्ल्ड, और उसके नीचे नेदर बसा हुआ है। तो कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो देखा। I've been playing more Bedrock Edition lately, but there's a few things that just really piss me off. First, walking looks fine and sprinting looks fine, but why does sprint jumping look like this? It's disgusting. और ये देख के मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मैं 1.14 यूज करता हूँ, ये मत पूछना क्यों, लेकिन उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 1.14 से लेके 1.18 तक स्प्रिंट जंपिंग नॉर्मली दिखती है, पर जैसे ही मैंने 1.19 में ट्राई किया, ये देखो ये क्या हो रहा है भाई, स्प्रिंट जंपिंग इतनी बेकार 1.19 से कैसे हो गई। और यही चीज नहीं है, दूसरी चीज भी है, ये देखो शेडर्स जो है ना, 1.18 तक शेडर्स एकदम नॉर्मल दिखते थे, शैडोज आती थी मस्त सी, डायनामिक शैडोज थी, देखो पेड़ की कितनी अच्छी शैडो आ रही है, ब्लॉक की शैडोज है, लेकिन 1.19 से ये सब काम करना भी बंद कर गया। 1.19 से लेकर उन्होंने कुछ रेंडर ड्रैगन जैसा कुछ तो हटा दिया था, उसकी वजह से शेडर्स काम ही नहीं करते अच्छे से। और भाई मोजैंग, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, तुमने 1.19 को इतना खराब क्यों कर दिया है? तो कितने हिट लगेंगे एक जॉम्बी को मारने के लिए हर एक वेपन को? तो भाई सबसे पहले तो फिस्ट आती है, तो फिस्ट से हमें 20 हिट्स मारने पड़ते हैं, और फिर आती है वुडन स्वॉर्ड और उससे हमें 5 हिट्स मारने पड़ते हैं, फिर स्टोन स्वॉर्ड उससे हमें 4 हिट्स मारने पड़ते हैं, और फिर आती है आयन स्वॉर्ड और आयन स्वॉर्ड से हमें 4 हिट्स ही मारने पड़ते हैं, और फिर आती है गोल्ड स्वॉर्ड और गोल्ड स्वॉर्ड से हमें 5 हिट्स मारने पड़ते हैं, और फिर आती है डायमंड स्वॉर्ड और उससे हमें 3 हिट्स मारने पड़ते हैं, और उसके बाद आती है नेदराइट स्वॉर्ड और उससे हमें 2 ही हिट्स मारने पड़ते हैं, और फिर आता है बो से हमें फुल्ली चार्ज करके 3 एरोज मारने पड़ते हैं तो ज़ॉम्बी मरता है, और पावर 5 की तो एक ही एरो से ज़ॉम्बी मर जाता है अगर फुल्ली चार्ज करके मारे तो। तो कितने हिट लगेंगे एक क्रीपर को मारने के लिए हर एक वेपन को? तो सबसे पहले फिस्ट से मारने के लिए लगते हैं हमें 10 हिट, उसके बाद वुडन स्वॉर्ड से उसको मारने के लिए हमें लगते हैं 4 हिट, स्टोन स्वॉर्ड से हमें लगते हैं 4 हिट, और फिर आती है आयरन स्वॉर्ड और उससे हमें लगते हैं 3 हिट, और फिर आती है गोल्ड स्वॉर्ड और गोल्ड स्वॉर्ड से भी 4 हिट लगते हैं, और फिर डायमंड स्वॉर्ड आती है, डायमंड स्वॉर्ड से हमें 3 हिट लगते हैं, और फिर हम बो से मारे तो बो से 3 एरोज लगते हैं, और पावर 5 की बो से तो वो एक ही एरो में मर जाता है अगर हम फुल्ली चार्ज करके मारे तो। तो कितने हिट लगेंगे एक वार्डन को मारने के लिए इन सब स्वॉर्ड्स को? शुरुआत करते हैं वुडन स्वॉर्ड से। हाँ, तो वुडन स्वॉर्ड को लगे हैं 100 हिट्स। अब बारी है स्टोन स्वॉर्ड की। ओके, तो स्टोन स्वॉर्ड को लगे हैं 84 हिट्स। अब बारी है गोल्ड स्वॉर्ड की। ओके, गोल्ड स्वॉर्ड से भी 100 हिट्स मारने पड़े। अब बारी है डायमंड स्वॉर्ड की। ओके, तो डायमंड स्वॉर्ड को लगे हैं 63 हिट्स। अब बारी है नेदरराइट स्वॉर्ड की। ओके, तो नेदरराइट स्वॉर्ड को लगे हैं 52 हिट्स। ओके, वीडियो खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।